हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के मज़ेदार लड्डू। सबसे पहले हम अपने पैन में घी डालेंगे, जो करीब हमने 250 ग्राम लिया है, पर उसमें से थोड़ा सा घी हम बचा लेंगे। इसके बाद हमें 250 ग्राम बेसन डालना है, जो करीब 2 कप होगा। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके हमें धीमी आंच पे भूनना है। पहले बेसन और घी को मिक्स करके देख लीजिए, अगर ये ज़्यादा सूखा फील होता है तो इसमें आपने जो बाकी घी बचा के रखा हुआ है वो ऐड कर दीजिए। ये देखिए, मिक्स होने के बाद हमें थोड़ा सा ड्राई लग रहा है मिक्सचर, इसलिए हम अपने बाकी जो बचाया हुआ घी था वो भी इसी में ऐड कर देंगे। अब हमें इसे बहुत अच्छे तरीके से भूनना है, जिसमें हमें करीब 15 मिनट लग जाएंगे। हमारा घी ऊपर अलग से दिखने लग जाएगा जब हमारा बेसन अच्छे से भुन जाएगा। ये कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी सी पतली हो जाएगी, मतलब इसे हमें बीच बीच में चलाते रहना है ताकि ये सब तरफ से अच्छे से बराबरी से भुन जाए। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाती है और इसका रंग भी थोड़ा सा बदल जाएगा। ये देखिए, करीब 15 मिनट बाद हमें साइड में थोड़ा घी नज़र आने लग गया है, मतलब हमारे बेसन में अब थोड़ी सी कसर रह गई है। अब हमें इसे थोड़ी देर ही और भुनना है, करीब 2 मिनट और लगेंगे। घी अपने आप आपको ऊपर नज़र आ जाएगा। देखिए, इसमें घी अलग ऊपर अब चमकने लग गया है, मतलब हमारा बेसन अब भुन के तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये फैलने भी लग गया है, घी अलग सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें करीब 2 टेबलस्पून दूध डालेंगे, या आप पानी भी डाल सकते हैं। इसे डालने से हमारा बेसन दानेदार हो जाएगा, जैसे हमें बाज़ार में दानेदार लड्डू मिलते हैं वैसे ही बहुत शानदार लड्डू बनेंगे। ये देखिए, दाने अलग दिखने लग गए हैं। अब हमें इसे दूध के पूरा सूखने तक पकाना है, हमारे दाने ख़राब नहीं होंगे, बस दूध सूख जाएगा। करीब 5 मिनट और पका लीजिए इसे। इसके बाद हमें इसमें शक्कर मिलाने से पहले इस मिक्सचर को थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी शक्कर पिघल जाएगी और लड्डू ठीक नहीं बनेंगे। हमें इसे इतना ठंडा करना है ताकि इसे हम आराम से अपने हाथ में ले सकें। ये देखिए, मिक्सचर ठंडा होने के बाद हम इसमें बूरा ऐड करेंगे, जो हमने अपने घर में ही तैयार किया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद हमने इसमें पिसी हुई इलायची डाली है, जो हमने थोड़ी शक्कर डाल के पीस ली थी, उसे पीसने में आसानी होती है शक्कर के साथ। साथ में हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे अपने चॉइस के, मैंने इसमें काजू और किशमिश ही डाले हैं। अब ये सब सामग्री हम आपस में मिला लेंगे। आप इसे हाथ से मिला सकते हैं, हाथ से ही ये लड्डू भी हमें तैयार करने हैं। देखिए, मिक्सचर मिल चुका है आपस में अच्छे से। अब हम इसे दोनों हाथों के बीच में इस तरह दबाते हुए अच्छे से रोल कर लेंगे। ये घर के बने हुए लड्डू इतने स्वादिष्ट होते हैं कि आप अगली बार बाज़ार से लड्डू लाना छोड़ देंगे। देखिए, हमारा लड्डू बनके तैयार है। इसी तरह हम अपने बाकी लड्डू भी तैयार कर लेंगे। मैंने अपने लड्डू में कलर नहीं मिलाया है, आप चाहें तो इसमें कोई सा फूड कलर
या फिर थोड़ी सी हल्दी मिला सकते हैं, इसका कलर थोड़ा और पीला हो जाएगा जैसे हमें बाज़ार में मिलता है। इतने बेसन से मैंने करीब 20 लड्डू बनाए थे। आप अपने हिसाब से अपनी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए कितने शानदार लड्डू बनके तैयार हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।